देखिए, एक होती है पेरेंट्स टीचर मीट, लेकिन हमारी बुलबुल के केस में तो इट इज हस्बैंड एंड टीचर मीट। क्या है ना कि बुलबुल की कॉलेज की प्रिंसिपल ने घर वालों को बुलाया है। अब जाहिर सी बात है कि घर वालों की तरफ से तो बुलबुल को रिप्रेजेंट करने उनके बालम ही जाएंगे। बहुत सारे बंदर हैं, आपको झपट्टा मार ले, चलिए यहाँ से। नहीं बोलो। थानेदार की पत्नी बुलबुल अब कॉलेज आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि बुलबुल सयानी नहीं है। जब उसके थानेदार सा एक कॉलेज में आए, तब देखिए हे बुलबुल ने जो बातें करना शुरू की, हे भगवान, उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है। एक सांस में उसने इतना कुछ कह दिया कि वीर भी बस देखता रह गया। अब बुलबुल, हे बस करो, इतना ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए, और वो भी जब आपका पति ही थानेदार हो। माना कि वीर आपकी सारी बातों को सुनता है, समझता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलती जाओ बोलती जाओ बोलती जाओ। कभी तो वीर को भी मौका दो बोलने का। अब वीर भी चुप है, वो बोलेगा भी क्या, जानता है अगर कुछ भी बोलेगा तो उसके दो और आगे बोलेगी बुलबुल, इसीलिए वो चुप है। गर्मी इतनी बढ़ गई है तो पहले ही खुद को ठंडा करने के लिए गोला खा लिया जाए, उसके बाद जाना है प्रिंसिपल के पास, जहां पर वर्णिका की कंप्लेन आई है। अब सबको लगा था कि बुलबुल नकल कर रही है, लेकिन हम तो जानते हैं कि वर्णिका नकल कर रही थी, बुलबुल ने तो केवल इल्जाम अपने सर लिया था। अब यहाँ पर गलत फहमी हो गई है वर्णिका को, उसे लग रहा है कि बुलबुल ने वीर को सारा सच बता दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसी गलत फहमी हो जाती है, एंड मैं जैसे ही ऑफिस से निकलती हूँ तो मैं बुलबुल चाचा से पूछती हूँ कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, पर फिर भी आपने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा, आपने क्यों वीर चाचू को ये बताया, तो अगर आपको बताना ही था तो फिर सारा इल्जाम क्यों लिया आपने। अब जो सच है वो तो सामने आना ही था। हे बुलबुल ने वर्णिका को बचाने के लिए खुद के लिए क्या कुछ नहीं सहा। हे बुलबुल ने अपने परिवार के लिए ये कदम उठाया। इसको देखकर वीर के दिल में हे बुलबुल के लिए और भी प्यार उमड़ेगा, और अब तो थानेदार साहब हे थाने में कम और कॉलेज में ज्यादा नजर आएंगे। देखना आगे कुछ ऐसा ही होगा। हे मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।